हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये टॉपिक है खेल चिकित्सा यानी कि स्पोर्ट मेडिसिन का तीसरा पार्ट है। एंड दोस्तों, जैसा कि बिजी होने के कारण कुछ कारणों से मैं दो दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, अब कोशिश करूंगी कि डेली बेसिस से मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि अब आपके पास टाइम थोड़ा भी नहीं है TRE 3 के लिए BPSC जो मार्च में एग्जाम है, एंड बिहार स्टेट 9th, 10th, 11th, 12th जो भी है वो भी लास्ट फरवरी तक हो जाएगा। एंड वो सभी देखते हुए दोस्तों, मैं डेली बेसिस से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड पहले से वीडियो अपलोड है, जैसा कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन सभी स्टेट में सभी एग्जाम में ज़्यादातर वही पूछा जाता है। तो यहाँ पे बिहार में जो BPSC है इसमें कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स को अवश्य जानना है, स्पोर्ट ट्रेनिंग को ध्यान देना है, एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन को ध्यान देना है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक एंड रचना और क्रिया विज्ञान, ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लेना है। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये सभी टॉपिक आप थोड़ा भी उसमें कमी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और मसल्स रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों अवश्य याद रखिएगा। तो और अन्य जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम हैं सभी के लिए मेरे चैनल पे वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज मैंने MCQ का प्रैक्टिस कराया हुआ है। जितने भी बिहार BPSC TRE 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैंने BPSC TRE 2 में प्रिपरेशन प्रैक्टिस कराया हुआ है, 80 से ज़्यादा वीडियोज हैं, उस सभी का प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि वही सब चीज़ें आएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिए, सेम वही चीज़ें आया था, आपको थोड़ा सा घुमाएगा तो आप उसको समझना सीखिए। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके यहाँ पे करिए, क्योंकि वहाँ टाइम का अभाव हो जाता है। टाइम को मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात होती है, जो टाइम को मैनेज कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो नहीं मैनेज कर पाता है उसको आते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन है दोस्तों कि दुर्घटना की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा को तुरंत चिकित्सक को तुरंत क्या करना चाहिए। तो दुर्घटना की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सक को तुरंत दुर्घटना को सावधानी से संभालना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आपके विधि हैं PRICE, प्राइसिस। पहले दोस्तों RICE था, अब PRICE हो गया है, ठीक है। तो PRICE, पी से होता है प्रोटेक्शन, यानी कि सबसे पहले उसको संभालना, चोटिल भाग का बचाव करना। आर से होता है रेस्ट, यानी चोटिल भाग को आराम देना। फिर आई से होता है आइस, यानी बर्फ, चोटिल भाग पर बर्फ का प्रयोग करना जिससे एलर्जी ना हो। सी से होता है कंप्रेशन, यानी चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग को दबाना, जिससे जो है उस भाग का रक्त संचरण रुक जाए या कम हो जाए, सूजन भी कम हो, इसके लिए टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग किया जाता है। ई से होता है इलिवेशन, यानी चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। फिर एस से होता है सपोर्ट, यानी चोटिल भाग को किसी चीज से सहारा देना जिससे कि वह ज्यादा हिले डुले ना। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड, जो दोस्तों इस जो PRICE पद्धति है इसको थंब रूल भी कहा जाता है, और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार शब्द का सबसे पहले प्रयोग सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा 1879 में इंग्लैंड में किया गया था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है। तो यह मालिश से संबंधित है, और मालिश के स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन यानी सहलाने के हस्तकौशल विधि से संबंधित है। जैसे कि मालिश चार प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ है, मालिश वाले वीडियो को आप जाके देखिए। मैंने कम समय में छोटे से वीडियो में सभी चीज़ें कवर किया है, जो आप बुक में ज़्यादा पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है। तो चार प्रकार के होते हैं, SPPS यानी कि स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, शेकिंग यानी झकझोरना या मिलाना। इसमें से स्ट्रोकिंग यानी सहलाना दो प्रकार का होता है, एफ्लुरेज और सहलाना, और प्रेशर दो यानी कि दबाव की हस्तकौशल विधि भी चार प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, नीडिंग यानी गुथना,
प्रतिष्ठान यानी चिकुटना, फ्रिक्शन यानी घर्षण, और थपथपाना जो परक्यूजन होता है तीसरा वाला, वो आपका चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग एंड सैकिंग। जो चौथा होता है वो वाइब्रेशन एंड रनिंग, वाइब्रेशन एंड सैकिंग दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली सामान्य चोट क्या है? तो टखने के एंटीरियो की लेटरल लिगामेंट पर ज्यादा चोट लगता है बास्केटबॉल खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है, गोल्फर कोहनी का तात्पर्य है, तो गोल्फर कोहनी का तात्पर्य है दोस्तों कि कोहनी के अंदरूनी एपिकोंडाइल के सूजन की अवस्था हो जाती है। जो कोहनी के अंदर पास एपिकोंडाइल टेंडन होता है और उसकी सूजन की अवस्था को गोल्फर कोहनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एथलेटिक ट्राई एंगल का क्या तात्पर्य है? तो एथलेटिक ट्राई एंगल का तात्पर्य होता है एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स। नेक्स्ट है, किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति मापनी है तो कैसे मापी जाती है? तो उसके लिए पहले 6 सेकेंड की हृदय गति निकाल कर उसको 10 से गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री फारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। जैसा कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो साधारणतः होता है 37 डिग्री से, यानी कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और 100 डिग्री में होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे अहम सिद्धांत है फिटनेस। आपका फिटनेस अच्छा है तो चोट कम लगेगा, इसलिए सबसे पहले वार्म अप कर लेना चाहिए तभी कोई कार्य स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के समूह का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रैम्प। जब भी अनैच्छिक रूप से संकुचित होने की बात हो तो वहां पे क्रैम्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं, यानी कि हड्डी अपने जहां पे ज्वाइंट वाला भाग है, जैसे हमारा कंधे हो गया, कुल्ले हो गया, तो किसी कारणवश पूर्व स्थिति से चोट के कारण अपने स्थिति से खिसक जाती है, हट जाती है, उसे डिसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना, इसे क्या कहते हैं? उसको लेसरेशन कहते हैं, और रगड़ लग जाना को एब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, वह साधन जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है उसको एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। नेक्स्ट, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तो यूनानी भाषा से हुई है, यूनान से खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति यूनान से हुई है, और चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। और दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स, एंड आपके जो खेल चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो मैंने खेल चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं डॉक्टर जेसी कर्नेडी, एंड चिकित्सा शास्त्र के पितामह हैं हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसको है? सबसे पहले तो है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं, तो इसमें सामान्य चिकित्सक, कायिक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसको सेंट मोरिस स्विट्जरलैंड में 1889 में किया गया, सेंट मोरिस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, खेल चिकित्सा कांग्रेस का स्थापना जो है कहां किया गया? सेंट मोरिस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, उस सब प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास को भिन्न भिन्न अवधि एवं भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? तो उसको पिरामिड ट्रेनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? तो उसे टेम्पोला ट्रेनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कॉन्टिन्यूस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे पैरालल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पिरामिड
ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश में लंबी दूरी के धावकों को है? तो वह है रसिया यानी कि रूस की। नेक्स्ट है, एक धावक द्वारा मांसपेशीय पीड़ा, मांसपेशीय सूजन तथा मांसपेशीय संकुचन के दौरान स्ट्रेस होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मसल सोरनेस, यानी दर्द सहित कार्य की बात आए, पीड़ा की बात आए, दर्द सहित दर्द की बात आए तो वहां पे मसल सोरनेस होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी जब अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम कहते हैं मसल स्पूल। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे कि स्ट्रेन और स्ट्रेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन और स्प्रेन, स्ट्रेन क्या होता है मांसपेशी और टेंडन का अधिक खिंच जाना, और स्प्रेन होता है लिगामेंट का खिंच जाना, स्प्रेन यानी मोच और स्ट्रेन मतलब खिंचाव। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव यानी कि अत्यधिक मात्रा से भी ज्यादा खिंच जाना, उसको मसल स्पूल कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में ओवर यूज के कारण अत्यधिक स्ट्रेच हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। ये ज्यादातर बैडमिंटन एंड टेनिस में होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहलाता है? तो उसको स्टिच कहलाता है, या यहाँ पे बोल सकता है कि अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द या निचले भाग में दर्द या डायफ्राम पेशी में दर्द या खिंचाव होना, ये स्टिच कहलाता है। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा की अंतरराष्ट्रीय एकेडमी कहाँ है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट दोस्तों, मादक पदार्थ एक खिलाड़ी को कैसे प्रभावित करता है? तो मादक पदार्थ शारीरिक उत्तेजना को बढ़ा देता है और मानसिक उत्तेजना को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार क्या हैं? तो दोस्तों, एर्गोजेनिक एड्स पोषणात्मक या न्यूट्रिशनल एड, मनोवैज्ञानात्मक यानी कि साइकोलॉजिकल एड्स, औषधात्मक यानी कि फार्माकोलॉजिकल एड एंड क्रियात्मक, सॉरी क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल एड्स, ये प्रकार के होते हैं। और ऐसा साधन जो कृत्रिम रूप से परफॉर्मेंस के खिलाड़ी के बढ़ाए उसे एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं? तो वैज्ञानिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं सम्मोहन व मानस दर्शन। नेक्स्ट है, यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के क्या उदाहरण है? तो यांत्रिक मतलब यंत्र की तरह जो कार्य करे, जैसे कि विशेष जूते, हल्के जूते। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां क्या है? तो एनाबोलिक एड्स, स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो यह सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा किया गया इंग्लैंड में 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द का 1879 में प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो यह इंग्लैंड में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, पुनर्वास रिकवरी का अर्थ क्या है? पुनर्वास यानी पुनर्वास करना, यानी चोट लगने के बाद या विकृति हो जाने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आना ही पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो पुनर्वास रिकवरी का अर्थ है खिलाड़ी को खेल मैदान पर पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी। और इसकी तीन प्रक्रियाएं होती हैं पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की। एक होता है करेक्टिव एक्सरसाइज, एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उसको सम्मोहन देना यानी कि सांत्वना देना, और दूसरा तीसरा होता है फिजियोथेरेपी, शारीरिक चिकित्सा। नेक्स्ट है, चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन क्या है? तो पहले मालिश करेंगे, ठंडा व गर्म सेक या मोम की सिकाई। नेक्स्ट है, एक पौंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो एक पौंड मांसपेशी के लिए 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चोट लगने की अधिकतम संभावना वाले खेल कौन से हैं दोस्तों? तो मोटरसाइकिल दौड़, तलवारबाजी, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में उससे के क्या करना चाहिए? तो उसे लेट जाना चाहिए। नेक्स्ट है, गंभीर चोट लगने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसको इच्छा शक्ति की कमी आ जाती है और आत्मविश्वास में कमी आ जाती है।
नेक्स्ट है फिजिकल ट्रीटमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फिजियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड क्रायोथेरेपी बर्फ चिकित्सा आदि आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, जो कोल्ड स्प्रे होता है चोट लगने के बाद तुरंत तो उस पर लगाया जाता है, उसको इथाइल क्लोराइड एंड मेथेन गैस भरा रहता है। नेक्स्ट है किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है, तो उसे क्रायोकाइनेटिक्स बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोथेरेपी में जल के द्वारा ठंडा और गर्म जल से प्रयोग किया जाता है, और क्रायोकाइनेटिक्स में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोया जाता है और चोट के अनुसार अभ्यास भी कराया जाता है, उसको क्रायोकाइनेटिक्स बोला जाता है। और नेक्स्ट है विद्युत चिकित्सकीय तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि होती है, तो यहाँ पे फील्ड मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, फील्ड मेथड होता है। डायथर्मी जो होता है उत्तकों की गहराई तक घाव भरने के लिए विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। डायथर्मी जो होता है जो इलेक्ट्रोथेरेपी होता है एक प्रकार का, इसमें तीन प्रकार के तरंगों के आधार पर लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड माइक्रोवेव डायथर्मी। वर्तमान में सब जो है शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव का अधिक प्रयोग होता है। नहीं प्रतीका, लेकिन शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो दो प्रकार का होता है, कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड केबल मेथड। नेक्स्ट है सबसे अच्छा विद्युत चिकित्सकीय तरीकों को माना जाता है, तो सबसे अच्छा विद्युत चिकित्सकीय तरीकों को माइक्रोवेव डायथर्मी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी के जन्मदाता कौन है, तो सारी चिकित्सा के जन्मदाता है हिप्पोक्रेटस, जो यूनान में जन्म हुआ। नेक्स्ट है रिकवरी के लिए विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं, तो दोस्तों आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये तीनों व्यायाम कराए जाते हैं। आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, सेम लंबाई होता है, पेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, और जो पेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है कार्य होता दिखाई नहीं देता है और कोई चेंज नहीं होता है, जैसे स्थिर अवस्था में रहता है जैसे दीवार को धक्का मारना। एंड दोस्तों आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, पेशियां छोटी बड़ी होती है। शक्ति प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है जैसे कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल्थ हो। आइसोकाइनेटिक जो होता है वह आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति होता है या मशीनों और की सहायता से किया जाता है आइसोकाइनेटिक, जो ज्यादातर पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि में होता है। आइसोटोनिक की खोज ली डोरे ने 1953 में किया था और आइसोमेट्रिक की खोज हेटिंगर मुलर ने 1954 में किया था। आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स पेरी ने 1968 में किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोकोल्डर पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है हाइड्रोकोल्डर पैक को। हाइड्रोकोल्डर पैक जो होता है ठंडी व गर्म चिकित्सा दी जाती है। ठंडी चिकित्सा के लिए एक बैग नुमा पैक में ठंडा पानी भर लिया जाता है, यानी सिंथेटिक का बना होता है जो हाइड्रोकोल्डर पैक होता है, और जिससे शरीर के किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता। इस प्रकार गर्म और ठंडी चिकित्सा दिया जाता है जिसके लिए तापमान जो है आदर्श होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है, तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कंट्रास्ट बाथ एक प्रकार का जल चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी है। कंट्रास्ट बाथ में ठंडा और गर्म पानी का अलग अलग बर्तन में प्रयोग किया जाता है, बारी बारी से पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा शास्त्र में प्रकाशीय किरणों से संबंधित किरणों से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसके लिए इंफ्रारेड तकनीकी अपनाई जाती है। कौन सी तकनीकी, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी में किया जाता है, तो इंफ्रारेड किरणों के द्वारा किया जाता है।
इंफ्रारेड रेंज में मुलायम उत्तकों की चोटों जब सूजन खत्म हो जाए तब दिया जाता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह है सूर्य के ऊर्जा जो प्रकाश होता है एंड विद्युत हीटर आदि से तरंगों को दिया जाता है जहां पे चोट लगा होता है। तरंगों की लंबाई 40,000 एम्पियर से 7,700 एम्पियर यूनिट तक होता है, और इसमें किरणों को त्वचा पर 90 डिग्री कोण से डाला जाता है। दो प्रकार का होता है, नॉन लुमिनस यानी कि अप्रकाशयुक्त उपकरण और लुमिनस यानी कि प्रकाशयुक्त उपकरण। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणों की तरंगों की लंबाई कितनी होती है, तो 40,000 एम्पियर यूनिट होता है। नेक्स्ट है, डायथर्मी में कौन से प्रकार होते हैं, तो वो लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड माइक्रोवेव डायथर्मी, तीन प्रकार का होता है। जो सबसे बेस्ट होता है माइक्रोवेव डायथर्मी होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है सबसे पहले जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन कौन सी सामग्री होना चाहिए, तो आप सभी को पता है ये सभी सामग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लैट फूड का पता किस यंत्र से लगाया जाता है, तो पेडोग्राफ से लगाया जाता है। फ्लैट फूड को प्ले प्लेनस भी बोला जाता है, और जो पैर के तलवे जो है उसमें कोई करो नहीं बनता, समतल होता है, और उसमें दो प्रकार के करो बनते हैं, कोई कर्व नहीं होता, दो प्रकार के आर्च बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्त स्त्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो विटामिन के का, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट, स्पोंडिलाइटिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है, तो यह वर्टिब्रेट में रहती है, यानी कि रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ में ज्यादातर चोट लगती है स्पोंडिलाइटिस। नेक्स्ट है, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को आदि किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मार्स फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, जो टखने में होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर मैनिपुलेशन को कहते हैं, तो इसको प्रेशर मैनिपुलेशन जो मालिश का एक प्रकार है उसमें तीन प्रकार के होते हैं, नीडिंग यानी गुथना, पेट्रिसा यानी चिकुटना, फ्रिक्शन यानी घर्षण करना, जिसमें यहाँ पे एक नीडिंग भी राइट है। नेक्स्ट, श्वसन में परेशानी क्या कहलाती है, तो जो श्वसन श्वास लेने में परेशानी होती है उसको डाइसोफिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप सबको पता है इसके लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती है, तो पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट, लंबरगो को क्या तात्पर्य है, तो लंबरगो से तात्पर्य है कमर के दर्द को लंबरगो बोला जाता है। नेक्स्ट है, हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज करने के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो इसको क्यूपिंग बोला जाता है। जैसे कि जो परक्यूजन होता है, थपथपाने की हस्त कौशल विधि, यह श्वसन थेरेपी भी इसको बोला जाता है। इसमें केवल हाथ का प्रयोग किया जाता है, जिस चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। हैकिंग जो होता है, हाथ हथेली से हल्का हल्का प्रहार किया जाता है। क्यूपिंग में हथेली को प्याले नुमा आकार देकर थपथपाया जाता है। बीटिंग में मुक्का बनाकर, और पाउंडिंग में हथेली की गुलाकी भाग और अंगूठा और छोटी उंगली के से तबले जैसे बजाने जैसी होती है। हैकिंग जो है दोस्तों चार प्रकार का होता है, हार्ड हैकिंग, सॉफ्ट हैकिंग, डाइवर्टेज, कन्वर्टेज। नेक्स्ट है, हैकिंग मसाज कितने प्रकार का होता है, दोस्तों अभी जस्ट मैं बताई हूँ, हैकिंग मसाज जो है चार प्रकार का होता है, हार्ड हैकिंग यानी कि ज्यादा प्रहार, सॉफ्ट हैकिंग कुछ कम प्रहार, डाइवर्टेज यानी कि कई बिंदुओं पर मालिश, और कन्वर्टेज यानी कि एक ही बिंदु पर मालिश, ठीक है। तो डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट दोस्तों, मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो चार प्रकार में, स्ट्रोकिंग यानी कि दबाना, सॉरी दोस्तों स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना एंड परक्यूजन यानी कि थपथपाना, सेकिंग यानी कि झकझोरना या मिलाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण से रिलेटेड, एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड से रिलेटेड होगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।